सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। साथियों, इस वीडियो में बताऊंगा जो ये वैकेंसी निकली है वो निकली है बिजली विभाग की। तो सबसे पहले तो दोस्तों, किसी भी वीडियो को बनाने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि इस वैकेंसी को किस स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है जो बिजली विभाग में, इसमें किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम भी नहीं होगा, ना ही इंटरव्यू होगी। केवल 10वीं ITI कर रखी है या आपने पॉलोटेक्निक या BTECH कर रखी है, उसी की परसेंटेज की कट ऑफ बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर इस वैकेंसी में ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें अच्छी वैकेंसी तो है, लेकिन इस वैकेंसी में एक कमी है, वो यह है कि इसमें केवल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी ही अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। मैंने बताया कि जॉब लोकेशन रहने वाला है हिमाचल प्रदेश। अगर भर्ती की विस्तृत जानकारी देखना चाहें तो www.sjvn.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, इस पे जाकर विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और अंतिम तिथि सहित संपूर्ण जानकारी बताऊँगा। दोस्तों, इसमें अप्लाई मैंने बताया कि केवल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास एक ईयर्स का अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप 1961 का ट्रेड सर्टिफिकेट हो। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस की जो पोस्ट मिलेंगी उनमें मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत सारे आपको पोस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें टोटल 100 पोस्ट हैं। और इसके साथ ही जो टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर अप्रेंटिस की पोस्ट मिलेंगी उनमें टोटल पोस्ट है 50, और इसके साथ ही जो टेक्नीशियन ITI अप्रेंटिस की पोस्ट है उसमें पदों की संख्या 80 है। इस प्रकार लगभग ये 220 पदों के आसपास ये वैकेंसी निकली है, टोटल पोस्ट इसमें मिलने वाली आपको 220। अब इन अलग अलग पोस्ट के लिए जो आप देखिए क्वालिफिकेशन भी बताई गई है कि जो दोस्तों मेरा कोई साथी जिसने डिप्लोमा ये कर रखा है, BTECH कर रखा है, पॉलिटेक्निक होल्डर है, तो क्या होगा उनके लिए, वो कैंडिडेट भी इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसा कोई कैंडिडेट जैसे टेक्निकल ITI अप्रेंटिस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ITI, कंप्यूटर मेंटेनेंस, फिटर, वेल्डर, इन पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट 10वीं पास हो और ITI का सर्टिफिकेट हो, ऐसा कैंडिडेट अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कैंडिडेट की आयु सीमा कितनी रखी गई है। तो दोस्तों, कैंडिडेट की मिनिमम आयु तो होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम आयु हो 30 वर्ष। और जो ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी मेरे साथियों, वो SC और ST वर्ग को 5 वर्ष की मिलेगी, OBC वर्ग को मिलेगी 3 वर्ष की, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही जो PWD कैंडिडेट है उनको ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि वो 18 से 40 वर्ष का कैंडिडेट PW अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। तो दोस्तों, वेतन इसमें स्टार्टिंग कम दिया जाएगा। वेतन इसमें आप देख सकते हैं जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए 10,000 रुपये पर मंथ, डिप्लोमा होल्डर को 8,000 और ITI अप्रेंटिस वालों को 7,000 पर मंथ दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, वेतन के साथ ही इसमें ट्रेनिंग अवधि 1 वर्ष की रहने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, ये जो बिजली विभाग की वैकेंसी निकली है इसकी विस्तृत जानकारी इसकी ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों, यहाँ सिलेक्शन स्पष्ट बताया गया कि नो इंटरव्यू, किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा, केवल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, बेसिक ऑफ मार्क, मेट्रिकुलेशन एंड ITI कोर्स या डिप्लोमा होल्डर, BTECH या पॉलिटेक्निक कैंडिडेट है, उन्हीं के आधार पर इसकी कट ऑफ का वेटेज, औसत एवरेज के आधार पर इसमें कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी, और जिस कैंडिडेट का इसी लिस्ट में नाम आएगा उसको इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई किस प्रकार करना है, ये इसकी ऑफिशियल साइट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, इस साइट पर आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है और संपूर्ण जानकारी पढ़ने के पश्चात अपना फॉर्म अप्लाई करना है। पूर्ण सावधानी के साथ अप्लाई करना है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए दोस्तों फॉर्म अप्लाई करते समय पूर्ण सावधानी बरतें और अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों, ऑनलाइन कब से शुरू हो रहे हैं, तो ऑनलाइन इसमें शुरू हो रहे हैं 4 दिसंबर 2018 से। अब ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 दिसंबर 2018, आप देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस विद प्रूफ बताता हूँ साथियों, कोई भी वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब मेरे दोस्तों, इसकी विस्तृत जानकारी के साथ अगर कोई कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो इसमें परीक्षा शुल्क कितना लिया जाएगा, तो वो भी जानकारी आप देखिए।
जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेगा तो इसमें परीक्षा शुल्क या फीस है ₹100, आप देख सकते हैं ₹100 लिया जाएगा। और इसके साथ ही जो दोस्तों ₹100 का जो फीस का भुगतान करना होगा वो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई मित्र के माध्यम से अपना फॉर्म का जो परीक्षा शुल्क है वो जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ देख एक्सपर्ट जनरल और ओबीसी के लिए ₹100 है और इसके साथ ही एससी एसटी पीडब्ल्यू को इसमें छूट मिलने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों आगे बात करते हैं इसी वैकेंसी में जो कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई करें तो मैंने पहले ही बताया कि अंतिम तिथि का विषय ध्यान रखें और आवेदन केवल ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के ही लिए वैकेंसी निकली है, मैंने सबसे पहले वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों जो मेरा साथी इस वैकेंसी के लिए योग्यता रखता हो वो कैंडिडेट अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाल रंग की सब्सक्राइब और घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको जो भी भर्तियाँ निकले उनकी सूचना सबसे पहले मिल सके।